नमस्कार दोस्तों, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ट्रेंगुलर दोस्तों प्लेट है। क्वेश्चन है हमारा, दी होमोजेनियस 250 kg ट्रेंगुलर प्लेट इन फिगर ए इज सपोर्टेड बाई अ पिन एट ए। ये पिन सपोर्ट दोस्तों, हिंज सपोर्ट भी कहा जाता है इसको, एंड रोलर सपोर्ट एट सी। ये रोलर या बॉल सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट ही ज़्यादा कहा जाता है दोस्तों इसको। ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ द प्लेट एंड डिटरमाइन द हिंज एंड रोलर। हिंज एंड रोलर हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है एफ बी डी और बताना है कितने अननोन है इसमें। इसका वेट दे रखा है दोस्तों 250 kg। ये जो पॉइंट सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट, यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे, ए एक्स और ए वाई, और वेट तो ग्रेविटी कारण नीचे ही लगता है। 250 kg, इसको 9.81 से गुणा कर देंगे, इतना न्यूटन आ जाएगा। और रोलर सपोर्ट के कारण दोस्तों परपेंडिकुलर बस सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो दोस्तों हमारे पास अननोन कितने हो गए, ए एक्स, ए वाई और एन सी। या फिर अगर इसका रिजल्टेंट आप कहें तो इसका रिजल्टेंट, मगर फिर उसमें एंगल जो है, एंगल थीटा या अल्फा, तो ए फोर्स और एंगल और एन सी, तब भी तीन ही अननोन होंगे। हमने इस उस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, ए एक्स, ए वाई और एन सी, तब भी तीन ही अननोन है। तो टोटल हमारे पास है तीन अननोन। अननोन्स आर एन सी, ए एक्स एंड ए वाई। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमसे पूछा गया था दोस्तों, एफ बी डी और अननोन्स। आपका होमवर्क है दोस्तों कि आप ये जो एन ए, एन सी, एन एक्स और ए वाई है, आप इसको फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे, आपके पास तीन इक्वेशन है दोस्तों इक्विलिब्रियम की। 2D स्ट्रक्चर है ये, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो होगा, और आप कोई डायरेक्शन ले लीजिए। मैं आमतौर पे हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन को, एक्स वाई का जो पहला क्वाड्रेंट था उसको पॉजिटिव मान करके, और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर वाले को पॉजिटिव मान करके, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको पॉजिटिव मान करके। ये तीन इक्वेशन है दोस्तों आपके पास, तीन अननोन है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल दें, कोई एक डायरेक्शन ले लें, और तीन आपके पास अननोन है, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। बल्कि किसी अननोन पॉइंट के बजाय आप पॉइंट ए को चुनेंगे तो ज़्यादा आपको सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आप पॉइंट ए को चुनेंगे तो ये ए एक्स और ए वाई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मूवमेंट में, क्योंकि तो मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो हो जाएंगे दोस्तों जीरो, और ये जो है वेट जो लग रहा है वो इसके 1/3 डिस्टेंस पे लगेगा, क्योंकि ट्रेंगुलर प्लेट है तो जिधर आपका परपेंडिकुलर रहता है उधर से 1/3 डिस्टेंस पे सेंट्रॉइड होता है उसका। और एन सी की डिस्टेंस ये वाली जो है, हमें ये और ये डिस्टेंस पता है दोस्तों, 0.6 मीटर, 0.35 मीटर। आप पाइथागोरस की मदद से ये वाली लेंथ, ए सी लेंथ निकाल लेंगे, और जो मोमेंट जो होगा एन सी इंटू ए सी लेंथ वो, और डब्ल्यू के कारण W इंटू 1/3 ऑफ 0.6 मीटर, यानी 0.2 मीटर। इसकी मदद से आपका एन सी निकल जाएगा, और उसके बाद एन सी निकल जाएगा, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई से आपका निकल जाएगा, एफ एक्स और वाई की मदद से, ए एक्स और ए वाई। तो आपका ये होमवर्क है दोस्तों, आप हल करके कमेंट सेक्शन में बताएं, हो सके तो आप। धन्यवाद।